आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.3 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। 22 है हमारा। स्टूडेंट टेक्स अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 21 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्किल कैन बी कट फ्रॉम द पेपर। तो ये एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ दी हुई है 30, ब्रेथ दी हुई है 21। बिगेस्ट सर्किल क्या काट सकते हैं इसमें से? तो अगर ये BC 21 है, 21, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये डायमीटर भी जो है वो 21 ही आ जाएगा इसका। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होती हैं। अगर डायमीटर 21 है, डायमीटर इक्वल टू 21, तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 21 बाई 2 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब हम 10.5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल मैक्सिमम बिगेस्ट लार्जेस्ट इसमें से काट सकते हैं। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल कट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, 7 वन जा 7, 7 5 जा 1.5। 1.5 को 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 टू जा 30, 0, 15 टू जा 30 और 3, 33 और एक के बाद डेसिमल, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 इंटू 22 आ जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। ठीक है साहब, अब 10.5 से अगर इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 से करेंगे तो 330 और 5 से करेंगे तो 1650, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वो एरिया आ गया, वो सर्किल आ गया जो हम इसमें से बिगेस्ट कट कर सकते हैं। अब है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर लेफ्ट आफ्टर कटिंग। अब पेपर बचेगा कितना, उसका भी एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट, पहले एरिया ऑफ शीट निकालेंगे, वो होगी लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हो जाएगी 30 इंटू 21 इक्वल टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर जो है वो लेफ्ट ओवर अगर मैं निकालू तो लेफ्ट ओवर निकल कर आएगी शीट आपकी 630 माइनस 346.5, तो 630 है ना, 630 में से हम 346.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 283.5 ये आ जाएगा 283.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो हो जाएगा जो शीट हमारे पास बची हुई होगी सर्किल काटने के बाद, और सर्किल का एरिया हो जाएगा 346.5। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूरा होगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।